वेश्या के मध्य कुछ साक्ष्य आए हैं, इसे पूछताछ के लिए हम ले जा रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं संभल कोतवाली के बाहर खड़ा हूं और कोतवाली के बाहर जो है अचानक से हलचल बढ़ गई है। आप ये तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में वकील यहां पर पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप पूरी तस्वीरें दिखाइए। बड़ी संख्या में यहां वकील जो है कोतवाली के बाहर मौजूद हैं। वहीं दिल्ली से भी कई लोग आए हुए हैं और इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ के जो जामा मस्जिद है उसके जो सदर हैं जफर अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे मिलने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं और पुलिस के अधिकारी जो है उन्हें रोक रहे हैं कि यहाँ पर थाने में भीड़ मत बढ़ाइए। अभी आपको मैं वो बातचीत भी सुनवाता हूँ कि जब पुलिस के अधिकारी ने वकीलों से और जो लोग दिल्ली से मिलने के लिए आए थे जफर अली से, उनसे क्या कुछ कहा, ये बयान सुनिए पुलिस और उनकी बातचीत। आप में से किसी को कोई भी कंसर्न हो आप मुझे फोन करके बता दीजिए, बाकी आप वो डीएम साहब प्लीज मेरे थाने में मुझे भीड़ नहीं चाहिए प्लीज। आई ऑलरेडी इस तरह की स्थिति है, मैं पुलिस स्टेशन से बिल्कुल ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के अंदर भी दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइज। आपको कोई बात करनी उसे फोन पे बात करें, छोड़ें क्यों, वो अपनी इच्छा से आए हैं, अपनी मर्जी से उनको बुलाया है, बैठे हैं वो, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, हो सकता है और डीएम साहब को फैक्चुअल नहीं लगे होंगे, बात कर रहे हैं वो अपना क्लियर कर रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा होगा तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। और पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि जफर अली ने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मीडिया में कुछ बयान दिए थे और इस बात को लेकर जो है पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है कि भाई आपने आखिर ऐसे बयान क्यों दिए। और कहा जा रहा है कि अब कुछ ही देर में पीसी होने वाली है, डीएम साहब खुद जो हैं वो जफर अली जो यहाँ के सदर हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब फिर उसके बाद से दोनों लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद से कहा जा रहा है कि दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद से मामला पूरा क्लियर होगा। ना ही जफर अली को किसी ने अरेस्ट किया है, ना ही जफर अली को किसी ने हिरासत में लिया है। जफर अली ने जो अपनी वार्ता की, वार्ता के क्रम में उनके द्वारा जो विरोधाभास स्टेटमेंट दिए गए उसके के बारे में जानकारी करने के लिए उनको बुलाया गया है और उसी के बारे में जानकारी की जा रही है। ना ही उनको अरेस्ट किया है, ना ही उनको हिरासत में लिया है, ना ही इस प्रकार की कोई ऐसी बात है। लेकिन वो एक पक्षकार है, उनको इस तरह घर से लाना के लिए तो क्या इसे जो पूरे गलत है वो प्रभावित तो नहीं होगा। उनको फोन किया, फोन करके बुलाया है, आना है वो अपनी इच्छा से आए हैं, उनको कोई उठा के थोड़े लेके आया। हमने तस्वीर देखी जिसमें पुलिस के अधिकारी जफर अली को हिरासत में लेकर जा रहे हैं। मौके पर अधिकारी ने भी बताया कि इन्हें लेकर जा रहे हैं। विवेचना के मध्य कुछ साक्ष्य आए हैं, इसे पूछताछ के लिए हम ले जा रहे हैं। लेकिन एसपी महोदय ने कहा कि उन्हें फोन पर बुलाया गया है, हिरासत में नहीं लिया गया है, ना गिरफ्तारी है। ना ही जफर अली को किसी ने अरेस्ट किया है, ना ही जफर अली को किसी ने हिरासत में लिया है। बहरहाल थाने से बाहर निकलने के बाद जफर अली ने क्या कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। मुझे बुलाया गया था, मैं आ गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप पूछताछ के लिए आपको बुलाया, पुलिस तो कह रही है सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बुलाया, पूछताछ करने के लिए बुलाया कि ये पीसी जो दी है हमने इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। पुलिस कह रही है कि आपने सारी गलत बयानी की है हर चीज की। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं, पुलिस तो यही कहेगी गलत है, अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। आपने एसडीएम संभल से संभल पर जो आरोप लगाए उनको खारिज किया है, नहीं अभी को किसी तरह का आरोपों पर कायम है अभी भी। भाई ऐसे मैं थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, मैं इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सदर जामा मस्जिद जफर अली ने मीडिया को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से मना कर दिया। थोड़ा टाइम लूंगा, मैं थोड़ा टाइम, मैं इस टाइम मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन इससे ये बात साफ हो गई कि पुलिस की समझाइश के बाद जफर अली कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।